सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप कि तुम सब बढ़िया ही होगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ना, तुमको थोड़ा सोचने में हंसी आएगा, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि बंदे लोग ने फिर से कमेंट करना शुरू कर दिया। तो भाई मेरा परफेक्ट वन टैप तो लग जाता है, फास्टेड लेवल का मूवमेंट भी होता है, बट कभी कभी मेरा जो करेक्टर है ना, एक जगह पे ही खड़ा हो जाता है, वो भी ग्लू वॉल की वजह से। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेरा ग्लू वॉल ही फास्टेड लेवल का नहीं लगता है। मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ही चाहिए। आप दो ना। अब देखो गाइस, ग्लू वॉल लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अपने गेम के अंदर, एंड अपने गेम का सबसे बहुत ही बड़ा पार्ट है। क्योंकि ग्लू वॉल एक ऐसा कवर है जिसे तुम लोग एक फास्टर लेवल के मूवमेंट के साथ में एक सामने वाले एनिमी को कंफ्यूज कर करके बहुत ही इजीली तरीके से मार सकते हो। सही बात, बट हाँ, इसको परफॉर्म करने का तरीका जो होता है, सारे प्लेयर का अलग अलग परफॉर्म करने का तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कि एक ग्लू वॉल लगाने के बाद दूसरी जगह पे खड़े हो जाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि कंटिन्यू ग्लू वॉल ही लगाते रहते हैं, जिससे सामने वाला बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, भाई वो बंदा जा कहां रहा है और करके आ रहा है, एंड कब उसके बाजू में आके वो बंदा सामने को मार देता है। यस गाइस, सर इस वीडियो के अंदर मैं टोटली तुम लोगों को बताने वाला हूं टॉप 3 ग्लू वॉल टेक्निक, जो कि एक ऐसी टेक्निक तुम लोगों को बताने वाला टॉप 3 ग्लू वॉल के बारे में। अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हो ना गाइस, तो लिटरली बता रहा हूं गाइस, तुम लोगों का जो ग्लू वॉल का फास्टेस्ट लेवल का मूवमेंट के साथ में, एंड एक वन शॉट के साथ में तुम लोग एक परफेक्ट लेवल का परफॉर्म ग्लू वॉल कर पाओगे, एंड ये टेक्निक अभी तक सबसे तुम लोग को बेहतरीन मिलने वाली है। यस गाइस, वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते यार अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। अब देखो गाइस, यहां पे अगर एक फास्टेस्ट लेवल का सेटअप ग्लू वॉल या फिर वन शॉट ग्लू वॉल लगाने के लिए, देखो नॉर्मली तरीके से देखो, अगर जिस तरीके से मैं ग्लू वॉल परफॉर्म करता हूं ना, सबसे इजी तरीका मुझे यहां तक की लगता है, एंड इस तरीके से ग्लू वॉल परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा तुम लोग को यही चीज इजी पड़ने वाला है। अब देखो गाइस, कभी भी तुम लोग अपने फायर बटन के ऊपर और उसके बाद अपने सीटअप बटन के ऊपर, यानी कि क्राउच वाले बटन के ऊपर, एंड उसके बाद जो ग्लू वॉल वाला 3 बटन ऐसे होते हैं जिसको तुम लोग को बहुत ही फास्टली तरीके से परफॉर्म करना जरूरी होता है, यानी कि गाइस तुम लोग का फिंगर कितनी स्पीडली तरीके से टच होता है। एंड यही नहीं गाइस, बहुत सारे बंदे लोगों को बहुत ही फास्ट तरीके से फिंगर टच होता है, बट कहीं ना कहीं से उनकी कस्टम एचडी में थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं ना कहीं से हो जाती है। अब देखो गाइस, कभी भी अगर तुम लोग फास्ट लेवल का ग्लू वॉल लगाने चाहिए तो तुम्हारा जो फायर बटन होता है एक परफेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग अपने फायर बटन को चेंज करो, बट तुम लोग का एक परफेक्ट पोजीशन पे होना ही चाहिए। अब अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी एचडी में देखोगे तो यहाँ पे मेरा फायर बटन कुछ इस पोजीशन पे है। अब देखो यार, यहाँ पे जैसे ग्लू वॉल परफॉर्म करने का जो तरीका सबसे पहला होता है ना, कभी भी जैसे टाइम पे तुम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो, वैसे टाइम पे तुम लोग जब भी ग्लू वॉल परफॉर्म करते हो तो कभी भी तुम लोग अपने फायर बटन को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना, यानी कि कैसे जैसे तुम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो तुम लोग ऑब्वियसली सी बात है कि ऊपर की तरफ एम चले जाता है, उसी टाइम पे तुम लोग अपने एम को नीचे की तरफ लेके आना, लाइक कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे तुम लोग एम नीचे की तरफ आता है, वैसे तुम लोग अपने क्राउच वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हुए गाइस, वैसे तुम लोग अपने ग्लू वॉल वाले बटन के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे तुम लोग अपने ग्लू वॉल वाले बटन के ऊपर जैसे ही टैप करते हो, तुम लोग के हाथ में ग्लू वॉल आ जाता है। वैसे टाइम पे तुम लोग अपने जहां तो लेफ्ट फायर बटन पे क्लिक कर सकते हो, और जहां तो यहाँ पे तुम लोग फायर बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम लोग सीटअप ग्लू वॉल लगाने के लिए परफॉर्मेंस के लिए तुम लोग दोनों चीजें बहुत ही फास्ट तरीके से ग्लू वॉल लगेगा, बट यहाँ पे जो तुम लोग का बेहतरीन तरीके से फिंगर टच रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, अभी तुम लोग इस चीज को परफॉर्म कर पाओगे। तो ये था हमारा नॉर्मल ग्लू वॉल जो कि हर एक बंदे को आना ही चाहिए, सबसे ज्यादा तुम लोग को इसी चीज में प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे जो नंबर सेकंड आता है 360 ग्लू वॉल। अब देखो गाइस, इसको परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा अपने गेम के अंदर इजी होता है। ये ग्लू वॉल टेक्निक अपने गेम के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं से। क्योंकि गाइस, ये ग्लू वॉल टेक्निक तुम लोग को तब बचाता है जब भी तुम लोग को सामने वाले बंदे को या फिर अपने फ्रेंड को जब भी बचाना होता है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग इसको समझना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर तुम लोग इसको नहीं समझते हो तो तुम लोग फास्टेस्ट लेवल का 360 ग्लू वॉल कभी भी नहीं लगा पाओगे। अब देखो गाइस, फास्टेस्ट लेवल का 360 ग्लू वॉल लगाने के लिए कभी भी तुम लोग जैसे एनिमी के ऊपर फायर करते हो या फिर तुम लोग जब भी तुम लोगों को परमानेंट कवर बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे मैटर ये करता है कि तुम लोग को सबसे पहले एक फर्स्ट ग्लू वॉल लगाना है। अब यहाँ पे जैसे तुम लोग फर्स्ट ग्लू वॉल लगाते हो, अब देखो गाइस, यहाँ पे तुम लोग को दो चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि तुम लोग 360 ग्लू वॉल किस तरीके से परफॉर्म करते हो। अब देखो, बहुत सारे बंदे राइट की तरफ अपने फायर बटन को मूव करते समय 360 ग्लू वॉल लगाते हैं, एंड बहुत सारे बंदे की लेफ्ट की तरफ से मूव करते हुए अपने फायर बटन को 360 ग्लू वॉल परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीजें मैटर नहीं करती, तुम लोग किस साइड से भी लगाओ, बट यहाँ पे तुम लोग कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि जब भी तुम लोग 360 ग्लू वॉल को परफॉर्म करते समय तुम लोग को हमेशा अपने जॉयस्टिक को राइट की तरफ मूव करके रखना या फिर तुम लोग को लेफ्ट की तरफ मूव करके रखना, यानी कि जिस साइड से तुम लोग अपने फायर बटन को मूव करते हो उसके अपोजिट साइड में तुम लोग अपने जॉयस्टिक को मूव करके रखना। अब यहाँ पे तुम लोग अपने फास्टली तरीके से अपने स्क्रीन को मूव करते हुए ना गाइस, तुम लोग के लिए ग्लू वॉल को परफॉर्म करना लाइक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे तुम लोग अपने स्क्रीन को रोटेट करते चले जाते हो, वैसे तुम लोग का 3 ग्लू वॉल के अंदर ही गाइस तुम लोग का इजीली तरीके से 360 ग्लू वॉल परफॉर्म हो जाएगा, एंड इसको परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है गाइस। तुम लोग इसको अगर कंटिन्यू परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम लोगों को ये टेक्निक से परफॉर्म करते समय गाइस हमेशा तुम लोग को ये चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि तुम लोग हमेशा क्राउच होकर ग्लू वॉल लगाना है। यहाँ पे बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, स्टैंड होकर ग्लू वॉल लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका फास्टर तरीके से 360 ग्लू वॉल लगा ही नहीं पाते, एंड ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि उनका 360 ग्लू वॉल भी लगे। बट अगर तुम लोग क्राउच वाले बटन को क्लिक करके अगर 360 ग्लू वॉल परफॉर्म करते तो तुम लोग का ग्लू वॉल के अंदर कभी भी गैप भी नहीं आएगा, एंड एक तुम लोग एक फास्टर तरीके से ग्लू वॉल 360 को परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये दोनों चीजें अगर तुम लोग को परफॉर्म करना अपने गेम के अंदर आ जाता है ना, तो समझ लो तुम लोग ग्लू वॉल परफॉर्म करने के लिए तैयार हो चुके हो। मतलब तुम लोग एक फास्टर मूवमेंट के साथ में एक परफेक्ट वन शॉट के साथ में तुम लोग लाइक लीजेंड प्लेयर की तरीके से परफॉर्म कर सकते हो ग्लू वॉल। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो तीसरा नंबर आता है, ये ग्लू वॉल टेक्निक अगर तुम लोग ये दोनों चीजों परफॉर्म करना आ जाता है, सबसे ज्यादा
इजी टेक्निक तुम लोग के लिए पढ़ने वाली है। एंड वो टेक्निक एक बाउंडर ग्लू वॉल से लेकर टोनेटो ग्लू वॉल से लेकर 360 ग्लू वॉल से लेकर वन शॉट ग्लू वॉल से लेकर अभी स्ट्रिक में सिंपली करना क्या है तुम लोग को सगाई से कभी भी तुम लोग गेम प्ले करते समय तुम लोग को अलग अलग तरीके से अपने ग्लू वॉल टेक्निक को परफॉर्म करना है। कैसे लाइक कभी भी तुम लोग 360 ग्लू वॉल के लिए परफॉर्म करना है, कभी भी तुम लोग सीटअप ग्लू वॉल के लिए परफॉर्म करना है, फिर कभी भी तुम लोग बाउंडर ग्लू वॉल के लिए परफॉर्म करना है। बहुत सारी ग्लू वॉल टेक्निक है जिसको तुम लोग को परफॉर्म करना है जिससे तुम लोग का जो गेम प्ले होगा ना गाइस, जो भी बंदा तुम लोग को ऑब्जर्व करता है या फिर गाइस कभी भी तुम लोग का जो गेम प्ले होगा ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल का ग्लू वॉल की वजह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर तुम लोग मेरे गेम प्ले में गाइस ध्यान दोगे तो मैंने अलग अलग क्रिएटिविटी से ग्लू वॉल लगा रहा हूँ, मतलब हर एक गेम प्ले में एक अलग अलग तरीके से ग्लू वॉल लगा रहा हूँ जिससे जो मेरा गेम प्ले का मूवमेंट है बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है एंड मेरा जो गेम प्ले बहुत ही एकदम बेस्ट लेवल का दिखाई देता है, वो भी एक फास्ट शेड एंड एक यूनिक लेवल के साथ में जिससे मेरा जो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल का बन जाता है एंड अपने गेम प्ले के अंदर बहुत ही गॉड लेवल का गेम प्ले अपना बना सकते हो एंड जिससे तुम लोग अपना गेम प्ले स्किल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो जिससे तुम लोग का जो गेम प्ले होगा बहुत ही यूनिक एंड डेंजरस लेवल का दिखाई देगा। बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।